हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी जो है अपना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उनके लिए लेके आ रखा हूँ उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके 2022 का। तो दोस्तों, ये जो बुक का कोड है आपका, ये है BAPS201 और बुक का नाम है आपका रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर। तो दोस्तों, ये है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें अभी तक मैंने जो है सेक्शन ए के जो चार क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप जो है ये चारों वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम सेक्शन बी की बात करने वाले हैं। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों, जो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5 है और सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको मैं आपके लिए अभी रेडी कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इन क्वेश्चन के लाने के लिए आपको। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, प्लेटो के दार्शनिक राजा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग क्या डालनी है आपकी, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे, इसमें आपको लिखना होगा, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसका सरल अर्थ यह है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ही ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अपितु तत्वों के पीछे निहित सत्य को जानना और उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान है। सद्गुण वह है जो व्यक्ति व समाज के लिए सत्यम शिवम व सुंदरम मूल्यों की स्थापना करता है, और ऐसी सद्गुणमयी दृष्टि केवल प्रत्यवादी ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को प्लेटो दार्शनिक कहता है। सत्य की वास्तविकता है और मनुष्य की इच्छा गॉड है। सत्य का ज्ञान विवेक से ही हो सकता है, अतः विवेक व्यक्ति के शासन करने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जो सद्गुणी होगा वह स्वयं भी न्यायी होगा और राजा राज्य में भी न्याय की स्थापना करेगा। इससे नगर राज्यों के सारे दोष दूर हो जाएंगे और आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना होगी। अतः प्लेटो के राजदर्शन का तार्किक परिणाम दार्शनिक शासक का शासन है। इसलिए बॉकर कहता है, दार्शनिक राजा प्लेटो की राज्य रचना की पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी, प्लेटो के दार्शनिक राजा। ये आप हेडिंग डालेंगे तो उसमें आपको थोड़ा लिखना होगा, क्या लिखना है आपका, प्लेटो के अनुसार एक दार्शनिक राजा में इन गुणों का होना आवश्यक है। तो जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं, पहला गुण है आपका आपका विवेक का प्रेमी। तो ये हेडिंग हो जाएगी आपकी, विवेक का प्रेमी। उसमें लिखेंगे आप, दार्शनिक राजा विवेक का संगी होगा, वह समस्त जगत के ज्ञान का भंडार होगा, वह जानने की इच्छा उसमें कभी समाप्त नहीं होगी, वह सदैव ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहेगा और अपनी विवेक से जनता को लाभान्वित करेगा। फिर है नेक्स्ट, सत्य का प्रेमी। इसमें आपका दार्शनिक राजा सत्य के मार्ग पर चलेगा, वह कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। उसके मस्तिष्क में अविश्वास, निंदा, झूठ, फरेब और धोखा आदि विचार नहीं आएंगे। फिर है इसी में आपका थर्ड, फिर है आपका आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण में है आपका, दार्शनिक शासक आत्मनियंत्रण के गुण से युक्त होना चाहिए। उसे सांसारिक मोह माया के जाल से स्वयं को दूर रखना चाहिए। उसे अपनी इच्छाओं और नियंत्रण रखना चाहिए। उसमें आदेश व निर्देश देने की शक्ति होती है, जो अपने जीवन एवं शासन का संचालन स्वयं करता है। उसके बाद है आपका इसमें नेक्स्ट हेडिंग, निस्वार्थता। तो इसमें है आपका, प्लेटो का दार्शनिक राजा पूर्णतः निस्वार्थी होता है। उसका ना अपना परिवार और ना ही अपनी संपत्ति होती है, अतः वह निस्वार्थ भावना से सर्व कल्याण के कार्य में लगा रहता है। फिर है आपका इसी में शांत व्यवहार। तो जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे, शांत व्यवहार, इसमें लिखना होगा,
प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक का स्वभाव शांत होना चाहिए। वह अपने राज्य में शांति बनाए रखेगा, उसका अपना व्यक्तित्व होगा, उसकी जनता अमन चैन से सांस लेगी। इस प्रकार दार्शनिक शासक शील स्वभाव से युक्त होगा। फिर नेक्स्ट है आपका न्याय का प्रेमी। तो न्याय का प्रेमी आप हेडिंग डालेंगे तो उसमें आपको लिखना होगा, आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा तथा वह यह भी ध्यान रखेगा कि राज्य के दो अन्य वर्ग, सैनिक और उत्पादन वर्ग, अपने कर्तव्य का पालन उचित ढंग से करें ताकि न्याय की स्थापना हो सके। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सेक्शन नंबर बी का, और अगली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो अगर आपने जो है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने इससे पहले जो सेक्शन ए के चार क्वेश्चन है 20-20 नंबर के वो नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या तो वीडियो के एंड में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से क्लिक करके तो वहाँ से आपके जो चार क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं मैंने वो आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।